सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे प्रमोटर रिकॉग्निशन चाहिए, जैसे सिग्मा 70 फैक्टर इन द प्रोकैरियोट, टीबीपी इन द लाइक टीबीपी एंड टीएफ इन द यूकैरियोट, ये चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब बाइनरी का मतलब होता है दो, ये बनाते हैं क्या, आरएनए पॉलीमरेज यानी प्रोटीन नेचर का और डीएनए, जब ये बनता है तो बाइनरी कॉम्प्लेक्स होता है। प्रमोटर क्लियरेंस का प्रोसेस तब होता है जब कोई भी पर्टिकुलरली क्लियर द प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, जब आरएनए पॉलीमरेज 2 या कोई भी पॉलीमरेजेस के साइट सी टर्मिनल डोमेन पे फॉस्फोरेट करता है तब। हेलिक्स ओपनिंग होगी, हेलिकेजेस ओपन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, बाइनरी ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो बाइनरी कॉम्प्लेक्स था वो अब ओपन हो जाएगा क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, आरएनए की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी, ये एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए के साथ साथ अब क्या हो जाएगा, आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। फिर देयर इज लाइक टर्नरी कॉम्प्लेक्सेस चलते रहेंगे एबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद, एंड इलोंगेशन होगा जहाँ पे कोर एंजाइम चाहिए Mg2+ एंड Mn2+ चाहिए, एंड उसके बाद सुपर कॉलिंग के लिए टोपो आइसोमरेजेस एंड टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट या रो इंडिपेंडेंट होते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, एंड यूकैरियोट में रट प्रोटीन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके यहाँ तक आ जाती हैं अगर हम बात करते हैं तो, रट प्रोटीन इज इन द यूकैरियोट। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को लेके देखेंगे और भी चीज़ें लर्न करेंगे कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली ओपन होगा, बनेगा, जो मैंने पिछले सेशन में भी आपको बता दिया था वही सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रमोटर्स थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो देखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब एक ही उस पर्टिकुलर पार्ट में मल्टीपल जीन्स पाया जाता है जो आपको बताया जा चुका है, और इसमें यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। कैसा होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन जो पाया जाता है इसमें ये होता है, प्रमोटर दो तरीके के होते हैं, एक प्रिबनाउ बॉक्स और एक होता है हॉगनेस बॉक्स, ठीक है। जब हम इसको देखेंगे तो मान लो कि ये है आपका पर्टिकुलरली प्लस, मैंने वहाँ पे साइट बताया था कि +1 दैट इज़ द स्टार्ट साइट, इससे माइनस की तरफ इधर जाएंगे हम अगर इस डायरेक्शन में तो दैट शुड बी माइनस, और इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो -10 पे जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपका प्रिबनाउ बॉक्स, और -30 पे जो पाया जाएगा 35 पे वो पाया जाएगा हॉगनेस बॉक्स। जो प्राइमरी होता है, जो कोर प्रमोटर होता है वो होता है प्रिबनाउ बॉक्स, यानी कि आपके टाटा एटी इसका सीक्वेंस होता है, TATA and AT, ठीक है। ये है किसमें है, ये प्रोकैरियोट में है। यूकैरियोट में क्या हो जाएगा, यूकैरियोट में भी मैंने वहाँ पे आपसे डिस्कस किया था, प्रमोटर तीन जगहों पे पाए जाएंगे, एक होता है -30, -70, -80 आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए होता है, बाकी के लिए अलग अलग होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3 के लिए भी प्रमोटर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा कौन, सिग्मा 70 फैक्टर। कौन रिकॉग्नाइज करेगा, सिग्मा 70 फैक्टर इसको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करेगा किसको, -10 बॉक्स यानी कि प्रिबनाउ बॉक्स को, प्रिबनाउ बॉक्स को सिग्मा 70 फैक्टर रिकॉग्नाइज किया। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या होगा कि होलोजाइम होलोजाइम जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। व्हाट इज होलोजाइम, होलोजाइम का मतलब ये होता है आरएनए पॉलीमरेज +σ70, ये है होलोजाइम, ठीक है। होलोजाइम में सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर को, बाइनरी कॉम्प्लेक्स होगा, इंक्रीज द अफिनिटी ऑफ कोर एंजाइम, कोर एंजाइम यानी कि आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी को बढ़ाएगा, बढ़ाते ही यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, ओमेगा स्टेबलाइज करेगा, अल्फा इन चीज़ों को करेंगे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, देयर शुड बी द अबॉर्टिव इनिशिएशन एंड दैट आफ्टर द इलोंगेशन। अब ये अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, सब्र रखिएगा, ठीक है। ये है प्रोकैरियोट का केस, और यूकैरियोट के केस पे जब हम बात करेंगे, टीबीपी जो होता है बाइंड विद द टाटा बॉक्स, एंड उसके बाद वेरियस फैक्टर DEDABFEH, ये फैक्टर्स आते हैं, कैसे होंगे, टीबीपी बाइंड विद द टाटा बॉक्स, टीबीपी जो होता है इसको बोलते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा
बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि बाइंड करेगा टीबीपी, लाइक टाटा एसोसिएटेड फैक्टर जो होते हैं टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर, उससे जुड़ के बाइंड करेगा कहाँ पे, टाटा बॉक्स पे, कोर प्रमोटर पे, किस पे, -30 पे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी के पार्ट ही होते हैं ये टाटा टीबीपी एंड टीएफ, ये फिर टी ए को लेके आएंगे, फिर बी को लेके आएंगे, फिर एफ, ये सारे के सारे एसोसिएट करते हैं, असेंबली बनाते हैं। एफ आरएनए पॉलीमरेज को लेके आता है, ई आएगा, एच आएगा, एच हेलिकेज के साथ साथ काइनेज की भी काइनेट प्रॉपर्टी रखता है, फॉस्फोराइलेट करेगा आरएनए पॉलीमरेज के साइट सी टर्मिनल डोमेन को, फिर प्रमोटर को क्लियर करवाएगा, प्रमोटर क्लियरेंस होगा एंड देन टर्नरी कॉम्प्लेक्स एंड देन अबॉर्टिव इनिशिएशन के साथ ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो चलिए देखने की कोशिश करिएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे केस, ठीक है। सो वेरी बेसिक थिंग है कि बस अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली देखिएगा कि अगर हम प्रोकैरियोट के ऊपर बात करें तो ये है डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए सीक्वेंसेस में कुछ जगहों पे आपके पाए जाएंगे वो हो जाएंगे डीएनए सीक्वेंस पे, मान लीजिए ये है प्लस, ठीक है, ये है प्लस वन। अगर प्लस वन है तो इसके -10 सिक्वेंसेस पे, -10 नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक होगा -10 और एक होगा -35। -10 पे कौन सा बॉक्स होगा, टाटा एटी, टाटा एटी, और इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, प्रिबनाव बॉक्स, प्रिबनाव। इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इसको रिकॉग्नाइज अगर आप देखेंगे तो इसमें जो रिकॉग्नाइज करने वाला है वो आ जाएगा क्या, दैट इज सिग्मा 70, ठीक है, सिग्मा 70, सिग्मा 70 आएगा, ये अकेले आएगा, किसी को लेके आएगा, किसी को लेके आएगा, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को। अब ये इस तरीके से चला, यहाँ पे जैसे ही ये रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद ये स्टार्ट साइट है, इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, प्रमोटर पे जुड़ा यहाँ पे, अब पूरी चीज़ें सही हो रही थी। होने के बाद टर्नरी कॉम्प्लेक्स आरएनए पॉलीमरेज बना, डीएनए बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना, फिर हेलिकेज आएगा, हेलिकेज क्या करेगा, ओपन करेगा, ठीक है, ये जो है हेलिक्स का ओपन हुआ। हेलिक्स होने के बाद अब यहाँ पे सिग्मा 70 फैक्टर इस तरीके से बाइंडेड था, यहाँ पे प्रमोटर ओपन होने के बाद दिस इज लाइक समथिंग कि ये जो है प्रमोटर को क्लियर करना पड़ेगा, प्रमोटर के आगे जाना पड़ेगा, मतलब चलो ठीक है ये गया यहाँ तक। आने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट साइट है, मैं इसको यहाँ पे अबोराई नहीं प्लस वन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा कि कुछ न्यूक्लियोटाइड, 2-3 न्यूक्लियोटाइड ऐड करते ही ये बार बार टूट जाता है, टूट के अलग, 2-3 न्यूक्लियोटाइड बार बार ये प्रोसेस जो होता है वो रिपीट होता रहता है, ये 2-3 न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा कि फिर से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद फिर जो है फिर ऐड होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि यहाँ पे 8-9-10 न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड हो जाते। जब 8-10 न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तब जाके वहाँ पे स्टेबल इनिशिएशन आ पाता है। क्या आता है, स्टेबल इनिशिएशन, एंड दिस इज नोन एज अबॉर्टिव इनिशिएशन, कि पहले कई बार ये प्रोसेस अबॉर्ट होता है, अबॉर्ट मल्टीपल टाइम्स, अबॉर्ट मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू वीक एसोसिएशन, ड्यू टू वीक एसोसिएशन, एंड देन आफ्टर जब तक ये 8-10 न्यूक्लियोटाइड नहीं होता तब तक ये यहाँ पे बनेगा, उसके बाद एक्सटेंशन शुरू होता है, फिर ये 5' न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से चलेगा और ये आगे पूरा का पूरा केस इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हैं, ओके। तो ये होता है कि इसमें प्रोकैरियोट का केस में। जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो होता है कि नॉर्मली टीबीपी, यहाँ पे टीबीपी ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, फिर प्रमोटर क्लियरेंस एंड ऑल यहाँ पे चीज़ें होती हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा कि मैं यूकैरियोट के केस की अब बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम यूकैरियोट के केस के ऊपर बात करते हैं तो अगेन इसमें कई सारे बॉक्सेस होंगे, ठीक है, और बॉक्सेस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान देना, मान लीजिए ये है प्लस वन साइट, यहाँ पे -30 पे होगा टाटा बॉक्स, -75 पे होगा दैट कैट बॉक्स, एंड -70 पे होगा आपका कैट एंड जीसी बॉक्स, जीसी कैट एंड टाटा। टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए, क्या बोलेंगे उसको हम, TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। उससे एसोसिएटेड कौन होगा, उससे एसोसिएटेड होगा TAF। इससे इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और आपको चाहिए, जैसे
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी, ये हो गए, ये जो होंगे यहाँ पे आके जुड़ेंगे टाटा पे। अब इसमें जो है टाटा बॉक्स पे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रमोटर पाया जा रहा है, यह प्रमोटर इसको क्लियर करना जरूरी है। लेकिन क्या कैसे ही क्लियर होगा क्या? नहीं, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, इस तरीके की बात करें, ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज अभी यहीं पे टिका हुआ है, अभी क्लियर नहीं किया हुआ है प्रमोटर को। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते रहते हैं, ठीक है, कई सारे फैक्टर्स, डी आया, फिर उसके बाद कई अलग अलग फैक्टर्स होते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, लेट मी लाइक ओके, सो डी था, डी के बाद कौन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए एल ए, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए के बाद क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी, डी ए ए, लाइक याद रखने के लिए कोड यूज कर सकते हैं, द, द को बोलेंगे डी, अमिताभ, ठीक है, ध्यान देना, अमिताभ ए, दी अमिताभ बच्चन, दी अमिताभ बच्चन बी, अमिताभ बच्चन फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक एफ, एंटरटेनर, एंटरटेनर है, अमिताभ बच्चन फैंटेस्टिक एंटरटेनर है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे हम कर सकते हैं। नाउ अब देखिएगा कि क्या ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ध्यान दीजिएगा, डी ए बी एफ ई एच, ये ऑर्डर होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। तो अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ा, ये सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज टू के लिए, मतलब कौन से एमआरएनए सिंथेसिस के लिए, एमआरएनए के लिए, ठीक है, कौन से आरएनए के लिए, एमआरएनए के लिए बात की जा रही है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये जुड़ा यहाँ पे, ये ट्रांसक्रिप्शन डी ए, इसके बाद आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड बी, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी बी के बाद आएगा, देयर इज लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई, सेकेंड ई, जो कि जुड़ा रहता है एच के साथ, हेलिकेज की एक्टिव, हेलिकेज को जो होता है प्रमोट करता है, यह रहा, और बीच में एक योद्धा आएगा, उस योद्धा के ऊपर बात करते हैं, दैट योद्धा शुड बी लाइक दिस वन, ये जो है, ये कौन है, इसको बोलेंगे एफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ, क्योंकि एफ के साथ ही आरएनए पॉलीमरेज आता है, एफ के साथ क्या आता है, आरएनए पॉलीमरेज टू आता है। तो ये देखिए इस तरीके से चीजें, कई सारे फैक्टर्स आके जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने के बाद क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलरली पार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, इसके पास काइनेज की प्रॉपर्टी होती है, और काइनेज का मतलब फॉस्फेट को ऐड करना। तो ये किस पे ऐड करेगा, ये ऐड करेगा किसके, आरएनए पॉलीमरेज के सी टर्मिनल, मान लो एन टर्मिनल इधर है, सी टर्मिनल इधर है, तो सी टर्मिनल डोमेन का क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा, ठीक है, फॉस्फेट को ऐड करेगा यहां पे। तो ये क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड कर दिया, तो फॉस्फोराइलेशन क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन, जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा, जैसे ही फॉस्फोरिलेशन होगा, यहां पे एक चीज हो जाएगी, उस चीज के बारे में क्या बात करते हैं, दैट शुड बी लाइक, ये जो है जैसे ही फॉस्फोरिलेशन हुआ, दिस इज समथिंग जो कि प्रमोटर क्लियरेंस हो जाएगा, क्या बोलेंगे उसको हम, प्रमोटर क्लियरेंस, और ये आके यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक फिनोमिना होगा जिसको हम बोलेंगे प्रमोटर, प्रमोटर क्लियरेंस, प्रमोटर क्लियरेंस के बाद दिस लाइक की अब जो चीज़ें होंगी ओपन होगा, ओपन होने के बाद फिर वो अबॉर्टिव इनिशिएशन होगा, अबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद चीज़ें चलेंगी, जो मैंने यहाँ पे अबॉर्टिव इनिशिएशन के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, तो वही चीज़ होगी यहाँ पे, प्रमोटर क्लियरेंस होगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को फॉस्फोरेशन को थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, सो दैट कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाए, काइनेज आएगा तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा, और फॉस्फोराइलेशन के बाद ये जो एक प्रमोटर क्लियरेंस, प्रमोटर क्लियरेंस के बाद अबॉर्टिव इनिशिएशन, ठीक है, अबॉर्टिव इनिशिएशन किया, और अबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद देयर शुड बी लाइक का ये जो हो जाएगा वो इलोंगेशन की तरफ पड़ जाएगा, क्लियर है जी। चलो होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ये सारे के सारे फैक्टर्स इस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा कि इलोंगेशन इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, इसमें बस टोपो आइसोमरेज चाहिए, एक्सटेंड होता रहेगा, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, एक्सटेंड होता रहेगा, बस आपको क्या करना है, टोपो आइसोमरेज चाहिए इधर उधर रोकने के लिए, एक बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे सिग्मा फैक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोर एंजाइम होता है इलोंगेशन के टाइम पे,
सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर जो होता है रिलीज होता है प्रोकैरियोट के केस में। मतलब अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरिंग द इनिशिएशन जब हम इस डायरेक्शन में यहाँ पे देख रहे थे तो देखिएगा कि इसमें अभी सिग्मा फैक्टर था, लेकिन इनिशिएशन के बाद अगर इसी में हम इलोंगेट करें चीज़ों को तो देखिएगा कि इलोंगेशन के टाइम पे ये चीज़ ऐसे हो जाएगी और सिर्फ सिर्फ जो आरएनए पॉलीमरेज है वही आपका यहाँ पे जुड़ा रहेगा। सिग्मा फैक्टर जो है इलोंगेशन के टाइम पे सिग्मा फैक्टर जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज हो गया, सिग्मा 70 फैक्टर रिलीज हो जाएगा और रिलीज होके यहाँ से आरएनए ऐसे चलता रहेगा और ये है 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। दिस इज द केस ऑफ इलोंगेशन, बस और कुछ था ही नहीं, ठीक है। सिग्मा फैक्टर बस पार्ट नहीं होता, सिग्मा फैक्टर कब तक का होता है, इनिशिएशन के लिए तक होता है, ठीक है। सो ये जो होता है यही चीज़ होती है। यूकेरियोट में ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कुछ इफेक्ट इन्हांसर सीक्वेंसेस होते हैं जो कैट बॉक्स पे बाइंड कर लेते हैं। ये जो कैट बॉक्स है इस जीसी बॉक्स कैट बॉक्स पे, तो इन सब चीज़ों के लिए देयर इज लाइक सम कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ये चीज़ें बाइंड करेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज इन्हांसर सीक्वेंस, ये है इन्हांसर्स, इन्हांसर जो बाइंड करेंगे और रेट को बढ़ा देते हैं। इन्हांसर जो होते हैं ये बाइंड करते हैं और बाइंड करके रेट को बढ़ा देते हैं, तो इन्हांसर सीक्वेंसेस कुछ कुछ पाए जाते हैं कैट बॉक्स पे। टर्मिनेशन के ऊपर बात करते हैं। इन द प्रोकैरियोट टर्मिनेशन कैन बी रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट का मतलब एक रो प्रोटीन होता है, द नेचर ऑफ रो प्रोटीन इज हेलिकेज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑफ mRNA में मूव करता है। जबकि रो इंडिपेंडेंट में हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होता है, मूवमेंट ऑफ आरएनए को रोक देता है, आरएनए पॉलीमरेज़ को, जिससे कि टर्मिनेट हो जाते हैं। जबकि यूकेरियोट के केस में रैट वन प्रोटीन इज देयर, एक रैट वन प्रोटीन होता है जो कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, दैट इज द रैट वन प्रोटीन जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर केसेस में, ठीक है। सो दिस इज लाइक कि ये जो है आपके, ये क्या करता है, एक एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस कट द नियर थ्री एंड, थ्री एंड के नियर जो होता है वो कट कर रहा होता है, कट नियर द थ्री एंड, और थ्री एंड पे कट करेगा, प्री मेच्योर टर्मिनेशन करता है। कैसा करता है, प्री मेच्योर टर्मिनेशन, दैट लाइक दैट्स मीन्स कि डिफिकल्टी, दैट्स वाई डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एक्चुअल टर्मिनेशन साइट इन द यूकेरियोट। इन द यूकेरियोट जो होता है हम एक्चुअल टर्मिनेशन साइट नहीं पता कर पाते बिकॉज प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर देता है, एंडोन्यूक्लियस कर देता है, क्लीव कर देता है। देखिएगा, चलिए देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम को। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, देखिएगा टीबीपी बाइंड किया बी, फिर उसके बाद यहाँ पे है एफ पॉलीमरेज 2 आया, ई एच आया, फिर उसके बाद देखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन एच ए बी इस तरीके से था, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, अनवाइंडिंग ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फॉस्फोराइलेशन हुआ, देखिएगा फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये चीज़ें जो हैं कहाँ पे है, ये है आपके आरएनए पॉलीमरेज के सी टर्मिनल पे, ई और एच रिलीज हो गए, इलोंगेशन फैक्टर्स आ जाएंगे और इलोंगेट होते होते ये केस बन रहा है। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट की बात हो रही थी, लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनेशन इन द प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट के ऊपर बात करते हैं, तो दिस इज लाइक टर्म रो इंडिपेंडेंट एंड रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में जब हम देखेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे एक रो प्रोटीन होता है, रट साइट पे बाइंड करता है, कहाँ बाइंड करता है रो प्रोटीन, रट साइट पे बाइंड करेगा। रो फैक्टर देखिए मूवमेंट क्या है रो इसका, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑफ mRNA मूव करेगा, मूव करते करते पहुंचेगा जहां पे आरएनए डीएनए की हाइब्रिड नहीं हो रही थी, जहां पे 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड हाइब्रिड बना रहे थे वहां पे पहुंचेगा और आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी से ये कट करके एमआरएनए को अलग, आरएनए पॉलीमरेज को अलग कर देता है और टर्मिनेट कर देगा। दिस इज अ रो, ठीक है। एंड टर्मिनेशन रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि सम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज फाउंड इन द एमआरएनए, ठीक है। ये mRNA में पाया जाता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, देखिएगा ये कुछ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस DNA में, और जैसे ये ट्रांसक्राइब होंगे ये क्या करेंगे कि ये एक हेयर पिन लूप फॉर्म कर लेंगे एंड दे आर GC रिच, और जैसे ही हेयर पिन लूप फॉर्म करेगा ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के ट्रांसक्राइब के बाद, RNA पॉलीमरेज जो है वो मूव ही नहीं कर पाएगा, ब्लॉक होगा इसी पे, ठीक है। ये क्या करता है, RNA पॉलीमरेज मूवमेंट जो होता है वो मूवमेंट ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाती, तो दिस इज रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। जबकि एक्चुअल अगर हम यूकेरियोट के केसेस में बात करें तो देखिएगा आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब कर रहा है, प्री एमआरएनए यहां पे चल रहा था इस तरीके से, यह है क्लीवेज साइट,
यह है क्लीवेज साइट। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो चलता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन परेशानी नहीं, आरएनए पॉलीमरेज को चलते चले जाने दो। ये चल रहा है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे देखिएगा कि क्लीवेज यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से देयर इज लाइक क्लीवेज इज नियर द 3' एंड ऑफ आरएनए, 3' एंड की तरफ होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद क्लीव करने के लिए व्हाइल आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू द ट्रांसक्राइबिंग कंटिन्यू कर रहा होता है, द रैट प्रोटीन एंडोन्यूक्लियस अटैच टू द 5' ऑफ द ट्रेलिंग आरएनए। जैसे रैट प्रोटीन यहाँ पे जुड़ा, आपको बताया गया कि दिस लाइक रैट प्रोटीन, ये क्या है, एक रैट प्रोटीन है यहाँ पे जुड़ा, ठीक है, क्लीव किया, एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस है तो क्या करेगा, क्लीव करेगा, रैट प्रोटीन यहाँ पे जुड़ा और ये क्या किया, क्लीव किया, यहाँ से क्लीव करने के बाद ये जो है मूव करता हुआ चला जाता है, कहाँ जाता है, इस तरीके से जब हम बात करें देखिएगा, रैट प्रोटीन जो है यहाँ पे जुड़ेगा और मूव करता हुआ जाएगा, किस सेंस में, इधर की तरफ, दैट रैट एंडोन्यूक्लियस अटैचेस टू द 5' एंड जो क्लीव था, इसके साथ रैट एंडोन्यूक्लियस अटैच टू द 5' एंड यहाँ पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद देखिए कुछ कुछ द एंड मूव टूवर्ड द आरएनए पॉलीमरेजेस डिग्रेडिंग द आरएनए एज इट गोस। ये जो धीरे धीरे ये आरएनएज होते हैं इनको तोड़ता हुआ चला जाता है जो आरएनए सिंथेसाइज करता है, और व्हेन रैट वन रीचेस टू द पॉलीमरेज, यहाँ पे जो पॉलीमरेज ऑलरेडी था, यहाँ पे जो पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर रहा है, यहाँ पे जो पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर रहा है ये ऑलरेडी था जो पॉलीमरेजेस, यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा, जैसे ही रैट प्रोटीन पहुँचेगा आपका पूरा का पूरा काम तमाम कर देगा। जैसे ही रैट प्रोटीन यहाँ पे पहुँचा तो ये क्या कर दिया, ये काम तमाम कर दिया कि मतलब पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट हो गया, दिस इज द रैट वन और ये जो है आरएनए पॉलीमरेज वन। ये पूरा का पूरा चूहे बिल्ली का खेल है, चूहा की तरह ये कर रहा है, बिल्ली भाग रही थी, चूहा पीछे दौड़ा, पहली बार ऐसा हुआ कि यार बिल्ली जो है वो तर कर रहा है, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान देना है कि पॉलीमरेजेस है ये, तो इस तरीके के केसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो टर्मिनेशन जो होता है ये यूकेरियोट में इस तरीके से होता है। नाउ कोड के ऊपर ऑलरेडी आपको बात किया गया था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए CNS यूज कर सकते हैं, कोडिंग नॉन टेम्पलेट सेंस के लिए, एंड ये कोड बता दिया गया कि अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक एंटरटेनर है, DABFEH, ये आपको कोड बताया जा चुका है ऑलरेडी, यू कैन यूज दिस कोड, यू कैन ऑलरेडी आपके मैंशन है। इसके साथ दिस इज लाइक स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या PhD का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना, एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। Use करिए कोड WED20 for getting the 20% discount. WED Me, educating India. WED Me, educating India.